फिल्म शुरू होती है और एक बड़े से डायनासोर हेनरी और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। वो दोनों ही मिलजुल कर खेती कर रहे होते हैं और फिर उनकी मेहनत रंग लाती है, बीज उगकर पौधों का रूप ले लेते हैं। इसके साथ उनके लिए आज एक और खुशी का दिन भी होता है, क्योंकि आज उनके बच्चे अंडे से बाहर आने वाले होते हैं और तभी पहले अंडे से प्यारी लिबी बाहर आती है और दूसरे से थोड़ा सा शरारती पर क्यूट बग बाहर आता है और तीसरे सबसे बड़े अंडे से सबसे छोटू डायनासोर आर्लो बाहर आता है। आर्लो बहुत ही प्यारा होता है, जिसके बाद तीनों भाई बहन की मस्ती शुरू हो जाती है, जहां वो अपने घर के सामने का बड़ा पंजा पर्वत देखते हैं और फिर उनके मम्मी पापा उन्हें अपना खेत दिखाते हैं और कहते हैं कि हम सब मिलजुल कर इसकी देखरेख करेंगे। और अब थोड़े टाइम बाद इनकी फसल और बच्चे दोनों ही बड़े हो जाते हैं, जहां ये सब मिलकर काम करते हैं और बेचारे आर्लो को मुर्गियों को खाना देने का काम दिया जाता है। पर आर्लो बहुत डरपोक होता है, वो तो बेचारा मुर्गियों से भी डर जाता है, जिस वजह से वो अपना काम भी सही से नहीं कर पाता और वो उल्टा अपने डैड से कहता है कि डैड ये मुर्गियाँ बहुत बदमाश है। जिसके बाद वो सारा खाना पत्थरों के भंडार के अंदर डाल देते हैं ताकि जंगलियों से वो उसे बचा सके। और फिर हेनरी की वाइफ और हेनरी अपनी छाप भंडार घर में लगा देते हैं। ये देख कर बच्चे भी छाप लगाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन तब हेनरी उनसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें कोई बड़ा काम करना होगा, जो कि अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए हो, फिर तुम अपनी छाप लगा सकोगे। और अब बच्चे और बड़े हो जाते हैं, जहां बग मैदान साफ करके अपनी छाप लगाने का हकदार बन जाता है और लिबी भी अपना काम पूरा करके अपनी छाप लगा देती है। तो सबकी छाप लगी देखकर आर्लो में भी जोश आ जाता है, पर वहां बग आर्लो का उल्लू बनाकर उसे डरा देता है और उससे कहता है कि तुम हम सबका काम बिगाड़ते रहते हो, तुम कितने बड़े डरपोक हो। और तभी वहाँ बाकी सब भी आ जाते हैं, पर आर्लो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब रात में हेनरी आर्लो को जगाकर अपने साथ कहीं ले जाता है और वो आर्लो से कहता है कि हमें कभी कुछ अच्छा पाने के लिए अपने डर को हराना पड़ता है। वहाँ हेनरी आर्लो को बहुत प्यारे जुगनू दिखाता है और उससे कहता है कि कल तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम करना है, जिसके बाद तुम भी अपनी छाप छोड़ पाओगे। और अब अगले दिन हेनरी आर्लो के साथ मिलकर जंगली को पकड़ने का जाल बिछाता है और वो आर्लो को जंगली को खत्म करने का काम देता है और आर्लो भी अपने काम में लग जाता है। पर तभी उनके जाल में कुछ फंस जाता है जो कि जंगली होता है, तो आर्लो हिम्मत करके उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन जंगली को तड़पता देखकर आर्लो उसे जाने देता है। लेकिन ये देखकर हेनरी आर्लो पर बहुत गुस्सा होता है और वो आर्लो को लेकर जंगली के पीछे जाने लगता है, जहां आर्लो बहुत घबरा जाता है और बारिश भी होने लगती है, पर तभी आर्लो नीचे गिर जाता है। तब हेनरी आर्लो की ये हालत देखकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, हमें वापस जाना चाहिए। पर तभी अचानक से पानी का बहाव बढ़ जाता है और हेनरी आर्लो को बचाने के लिए ऊंची पहाड़ी पर फेंक देता है, पर वो खुद तेज बहाव में बहकर मारा जाता है। जिसके बाद आर्लो और उसकी माँ फसल को इकट्ठा कर रहे होते हैं, पर अब उसकी माँ बहुत कमजोर हो गई है। वो आर्लो को थोड़ा ज्यादा काम करने को कहती है, वरना सर्दियों के लिए खाना कम पड़ जाएगा। जिस पर आर्लो कहता है कि माँ मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगा। फिर आर्लो भंडार घर में खाना डालने लगता है, पर तभी जंगली आर्लो का खाना लेकर भाग जाता है। आर्लो भी उसके पीछे भागता है, पर जंगली आर्लो के नाक पर चढ़ जाता है, जिस वजह से आर्लो डरकर नदी में गिर जाता है और पत्थर में टकराकर बेहोश हो जाता है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को नदी के किनारे पर अपने घर से बहुत दूर पाता है। बेचारा आर्लो डरकर अपनी माँ को पुकारता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी उसे जंगली नजर आता है। आर्लो उसे पकड़ने के लिए पहाड़ी पर चढ़ जाता है, पर जंगली वहाँ से भाग जाता है, जिससे अब आर्लो फिर से अकेला पड़ जाता है और वो नदी के सहारे घर का रास्ता ढूंढने लगता है। रास्ते में आर्लो को बेरिया भी मिलती है, तो वो उन्हें खाने की बहुत कोशिश करता है, पर बेरिया ऊंची होने की वजह से आर्लो गिरकर पत्थरों के बीच फंस जाता है। और अब रात में आर्लो बहुत उदास और डरा हुआ होता है, पर सुबह वो देखता है कि किसी ने उसके पैर पत्थरों से छुड़ा दिए है और वो और कोई नहीं छुटकू जंगली होता है। जिसके बाद आर्लो फिर से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन अब बारिश शुरू हो जाती है
तब आर्लो अपने लिए एक टूटा फूटा घर बना देता है और अब जंगली आर्लो के खाने के लिए कीड़े को पकड़कर वहां लाता है। पर आर्लो तो कीड़ा नहीं खाता। तब जंगली आर्लो के लिए बेरिया लेकर वहां आता है, जिसे देखकर आर्लो खुश हो जाता है। पर वो जंगली से कहता है कि मैंने तुम्हें अभी भी माफ नहीं किया है, पर क्या तुम मुझे और बेरिया दे सकते हो? जिस पर जंगली आर्लो को अपने पीछे ले जाने लगता है। जंगली भले ही शरारती है, पर वो बहुत ही प्यारा है। जंगली आर्लो को तंग रास्ते से होते हुए पहाड़ियों के बीचों बीच से बेरियों के एक बड़े से पेड़ तक ले जाता है, पर जंगली वहां आर्लो को पेड़ के पास जाने से रोकता है। पर आर्लो उसकी बात नहीं समझता और तभी एक जहरीला सांप आर्लो पर आ जाता है, जिस वजह से आर्लो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जहाँ सांप उस पर हमला करने लगता है। पर तभी जंगली वहां आकर आर्लो को सांप से बचा लेता है और ये सब होता हुआ एक बड़ा सा डायनासोर देख लेता है। आर्लो उस डायनासोर से पंजा पर्वत का रास्ता पूछता है, तो वो डायनासोर कहता है कि ठीक है, पर हमें वो छुटकू चाहिए, उसका क्या नाम है? तब आर्लो कहता है कि पता नहीं, जिस पर डायनासोर कहता है कि हम नाम के लिए ध्यान लगाएंगे, नाम रखा तो उसे भी रखेंगे, और वो अलग अलग नाम बोलने लगता है, जिसे देखकर आर्लो जंगली को स्पॉट कहकर पुकारता है और उसके स्पॉट कहते ही जंगली उसके पास आ जाता है, क्योंकि छुटकू जंगली का नाम स्पॉट होता है। जिसके बाद आर्लो और स्पॉट अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में वो खूब मस्ती भी करते हैं। स्पॉट आर्लो को पानी में तैरना भी सिखाता है, पर एक गड़बड़ हो जाती है। वो दोनों कुछ सड़े हुए फल खा लेते हैं, जिससे उन दोनों को नशा हो जाता है और उनकी बहन बच जाती है। फिर रात में आर्लो स्पॉट को अपने पापा की तरह जुगनू दिखाता है, जिन्हें देखकर छुटकू स्पॉट भी हैरान हो जाता है। वो दोनों ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद आर्लो कहता है कि मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती है। वो लकड़ियों से अपने परिवार को बनाता है, लेकिन उसे लगता है कि स्पॉट नहीं समझ पाएगा। पर तभी स्पॉट भी लकड़ियों से अपना परिवार बना देता है और अपने माँ पापा को मिट्टी से दबा देता है, क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं है। ये देखकर आर्लो भी अपने पापा को मिट्टी में दबा देता है। वो दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर स्पॉट अपने माँ बाबा की याद में हाउल करने लगता है, जिसे देखकर आर्लो भी हाउल करता है। और अब अगले दिन बहुत ही भयानक तूफान आता है, जैसा तब आया था जब आर्लो ने अपने पापा को खो दिया था। बेचारे आर्लो और स्पॉट भी तूफान में फंस जाते हैं, पर वो इस तूफान में सुरक्षित बच जाते हैं। लेकिन आर्लो नदी ना दिखने की वजह से परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा, पर तभी उसे कुछ परिंदे नजर आते हैं। आर्लो उनसे मदद मांगने लगता है, पर वो परिंदे बहुत ही शैतान होते हैं। वो आर्लो से कहते हैं कि हमें तुमसे जंगली की बू आ रही है, बताओ वो कहाँ है? आर्लो के बहुत छुपाने पर भी जंगली उन्हें दिख ही जाता है। आर्लो और स्पॉट उनसे बचकर भागने लगते हैं और वहीं दो बड़े डायनासोर आकर उन दोनों को उन परिंदों से बचा लेते हैं। और तभी वहां उनके पापा भी आ जाते हैं। तब आर्लो उनसे भी पंजा पर्वत का रास्ता पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि हमें अपनी भैंसे ढूंढनी है, अभी बच्चों को संभालने का टाइम नहीं है। तो आर्लो कहता है कि स्पॉट की नाक बहुत तेज है, वो आपकी भैंसों को ढूंढ लेगा। और छुटकू स्पॉट सच में ही उनकी भैंसों को ढूंढ लेता है। इससे खुश होकर वो उन दोनों को भी अपने साथ रख लेते हैं और रात में वो सब खूब गप्पे लड़ाते हैं। तभी पहली बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। तब आर्लो जल्दी से घर पहुंचने की बात करता है, इसलिए सुबह होते ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आर्लो और स्पॉट भी भैंसों को संभालने में मदद करते हैं और वहां आर्लो को पंजा पर्वत दिख जाता है। तब आर्लो उन सबसे अलविदा लेकर स्पॉट के साथ अपने घर की तरफ बढ़ जाता है और वो दोनों पंजा पर्वत के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। पर तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है और वो शैतानी परिंदे उन पर हमला करके स्पॉट को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं और आर्लो को पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं, जहाँ आर्लो बेलों में फंसकर बेहोश हो जाता है। तब आर्लो को उसके पापा नजर आते हैं, जो आर्लो को बेलों से आजाद करके अपने घर की तरफ ले जाने लगते हैं। तो आर्लो कहता है कि मेरा दोस्त दूसरी तरफ है पापा, मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन उसके पापा तो कुछ भी नहीं बोलते, जिससे आर्लो को पता चलता है कि वो सच में यहाँ नहीं है। और आर्लो की आँख खुल जाती है, क्योंकि ये सपना था। आर्लो खुद को बेलों से छुड़ा लेता है और स्पॉट को बचाने पहुँच जाता है। पर तभी पानी का बहाव बढ़ जाता है और आर्लो और स्पॉट पानी के बहाव में बह जाते हैं। पर आर्लो स्पॉट को पकड़कर किसी तरह पानी से बाहर ले आता है, जहां स्पॉट को होश भी आ जाता है।
जिसके बाद वो दोनों पंजा पर्वत से होते हुए आर्लो के घर तक पहुंच जाते हैं। पर तभी कोई पीछे से हाउल करता है जो कि स्पॉट की तरह लग रहे होते हैं। स्पॉट भी उनकी तरह आगे बढ़ता है और वो और कोई नहीं स्पॉट के मम्मी पापा और बहन भाई होते हैं। स्पॉट उनसे मिलकर और वो स्पॉट से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर स्पॉट आर्लो के पास वापिस आ जाता है, लेकिन आर्लो स्पॉट को उसके परिवार के पास भेज देता है क्योंकि आर्लो परिवार की अहमियत जानता है। पर वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ने पर बहुत उदास होते हैं और फिर स्पॉट अपने परिवार के साथ लौट जाता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए हाउल भी करते हैं, जिसके बाद आर्लो भी अपने घर पहुंच जाता है। आर्लो का परिवार उसे गले से लगा लेता है और फिर आखिरकार आर्लो भी अपनी छाप भंडार घर में लगा ही देता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरा मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।